खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने एक बार फिर बिहार, यूपी और आंध्र प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यूपी के अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों को बड़ा तोहफा दिया है। अयोध्या से माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी तक करीब 257 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने का फैसला लिया गया है। यह रेल लाइन नेपाल सीमा के आसपास होगी, जो उत्तर बिहार के मिथिलांचल, पूर्वी और पश्चिम चंपारण तथा मुजफ्फरपुर जैसे शहर को जोड़ेगी। को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन। ये प्रोजेक्ट है 256 किलोमीटर 256 किलोमीटर का, नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा, नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर। आने वाला समय छठ का समय है, तो आप सबको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली और छठ की। और इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है कैबिनेट में एक बहुत लंबे समय से जो उत्तर बिहार के हमारे सभी साथियों की जो ड्रीम थी, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को आज अप्रूव किया गया है। इस प्रोजेक्ट में करीब करीब 40 के आसपास तो बड़े ब्रिजेस हैं, और इसमें बेसिकली आप देखोगे आगे वाले पेज पे, आप देखोगे नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा आपको नरकटियागंज, आप देखिए नेपाल गंडक रिवर के ऊपर वाला हिस्सा देखिए, इसमें नरकटियागंज से रेड कलर में आपको दिखाई देना चालू होगा, ये कंप्लीट कॉरिडोर नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से नीचे आने पे मुजफ्फरपुर और ईस्ट में जाने में दरभंगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को डबल रेलवे लाइन बनाया जाएगा और दिस विल बिकम लाइक अ मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। नॉर्थ बिहार मिथिलांचल के सभी निवासियों को बहुत अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी।